क्या बोला तूने, ये समीन आईडिया आई थी, कब की बात है? नाइन्टी वन में समीन आईडिया आई, 29 साल पहले। कितनी उम्र होगी इसकी जब तूने पकड़ा इसको? 12 साल की उम्र में मेरी बहन को पकड़ा तूने, 29 साल तू इसका लहू पी रहा है। अबे मुसलमान होता तो मैं तेरे से कहता अल्लाह का डर नहीं था तुझे, 29 साल कम होते हैं? अबे कभी भी तू भी तो इंसान था नहीं था, ये बता मेरे को, कभी तू इंसान दुनिया में आया था नहीं आया था? तुम हिंदुओं की बहन बेटियों को कोई तकलीफ दे, असियत दे, बल तू कभी इंसान था, मरा हुआ है आज या जिंदा है तू? तेरे को मरे हुए कितना वक्त हो गया? झूठ बोलता है तू, क्या तू जिंदा था जब तूने पकड़ा हमारी बहन को? 29 साल पहले पकड़ा तो 29 साल पहले तेरा ध्यान हुआ होगा ना, तेरी चिता जले में 29 साल तो हो चुके हैं। अबे मरने के बाद पकड़ा, जिंदगी में तूने पकड़ा हमारी बहन को? जवाब चाहिए मुझे, जब तू मर गया जब तूने पकड़ा या जिंदगी में पकड़ा? हजरत यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ, हाथ पकड़ो इसके, गला भी पकड़ो, तसलियां भी पकड़ो इसकी, मर गया था, जान निकालो, झूठ बोलता है कि ये मर गया था, सच बता, तू मरा हुआ है जिन्नातों में से? तेरे हाथ पकड़े किसी ने इधर? बाबा हाथ पकड़ लो इसका, गला पकड़ो, पसलियां भी पकड़ो, दो है तेरी बीवी के साथ, दो है। नहीं समझ में आई मेरी बात? ये जिन और एक वो हिलने वाला जिसको मैंने कहा था मरा हुआ है, ये मरा हुआ नहीं है। नहीं समझ में आई बात? ये 20 साल पुराना, ये जिन, ये हिंदुस्तान का नहीं है, ये पाकिस्तान का है। वो हिंदुस्तान का है जो हिल रहा है, 91 वाला। क्यों? जो मरे हुए होते ना इनको नहीं पकड़ते हमारे वाले, जिन्नातों को पकड़ते। मेरे साथ इस वक्त 17 अल्लाह के वाली है, इसका बाप भी नहीं देख सकता। यहां पर 31 जिन्नात बैठे हैं, 31 वहां अभी आया है थोड़ी देर पहले, एक घंटा, दो घंटे, तीन घंटे पहले यहां पर से 30 ही थे। आज से पहले इसने जितनी भी वीडियो के करीब की देखी हो ना, इसको पूछो, 30 जिन्नातों का जिक्र हुआ है। आज 31 वहां आया है, ये भी जिन्नातों में से। झूठ बोल रहे हैं हमसे, कैसे इसका पता चलेगा झूठा है? इसका पता कैसे चलेगा झूठा है? अभी बताता हूं मैं, अल्लाह के हुक्म से आंखें इधर मिला, गुस्से से देख, बड़ी बड़ी आंखें लग गया। 20 साल पहले पकड़ा तूने, हाँ भाई, ये पाकिस्तान से पकड़ा, हिंदुस्तान में तो तू था ही नहीं। 20 साल पहले पाकिस्तान में थी नहीं थी ये? और ये वो है जो शादी, पहली शादी के बाद पकड़ा इसने, कौन है ये? पहली शादी के बाद। और वो हिंदू कब का है जिसने शादी से पहले पकड़ा है? जवानी में, 12 साल की उम्र में। ये वो है जिसने इसको अब आज से 20 साल पहले पकड़ा, सन 2000 में। 9 साल का फर्क है दोनों के बीच में, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? जबान से बोलना, थप्पड़ दूंगा बहुत जोर का। तू मानता है कि तू जिन्नातों में से? झूठ क्यों बोला कि मैं मर गया? झूठ तो बोला तूने हमारे सामने, मैंने बोला एक और भी है मरा हुआ, मैं गलत बोल रहा हूं? तूने क्या क्या तकलीफें दी हमारी बहन को? अल्लाह अल्लाह माफ कर दे, क्या क्या तकलीफें दी इसमें? क्यों तेरी मामू की बेटी लगती है बता मेरे को, तेरी मामू की बेटी लगती है, तूने खरीदा है हमारी बहन को? नहीं है? अच्छी लगती है, अच्छी लगती है। एक बात बता, तू जिन्नात है, हिंदू जिन है, मुसलमान जिन है? तू मुसलमान है? अब तो तू बहुत बुरा है इसका मतलब, अगर हिंदू होता तो समझ में आती, बुरा क्यों है तू? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। तूने मेरे को अभी बोला मैं मुसलमान हूँ, ठीक है? हाँ। मुसलमान हो गए तूने, एक बहन को, मुसलमान औरत को तूने पकड़ा,
ये जायज है? फिर तू बोलता है मेरे को अच्छी लगी, जो किसी को अच्छा लगता है उसको अजियत देता है। दो बातें की, या तो बोल मैं मुसलमान नहीं हूं, और अगर तू मुसलमान है मैं अल्लाह को गवाह करके कहता हूं प्यारे अल्लाह के करम से 17 अल्लाह के वली भी दिखाऊंगा तुझे अभी के अभी, वो यहां बैठे हुए 31 जिन्नात भी दिखाऊंगा, आंखें इधर कर लेंगे, और झूठ बोलेगा तो ये छुरी तेरी इधर ही घुसेड़ दूंगा पूरी, गलत बयानी हमको पसंद नहीं है, आंखें इधर मिला ला इलाहा इल्लल्लाह। देख 17 अल्लाह के वली मेरे साथ, सच बोलना, नजर आए तो हाँ बोलना, तुम लोग सुभान अल्लाह बोलना, अकेला तो नहीं बैठा हूँ यार, सुभान अल्लाह बोलो ना यार, तू है तुम लोगों पे यार, तू है तुम लोगों पे, क्या बात है, मतलब मुसलमानियत तेरी जाग गई सब है, इंसानियत तेरे अंदर आ गई, अल्लाह का डर आ गया। चल इधर 31 दिन आते हैं या 30 जल्दी बता, 31 है। बोल आप लोगों में कोई अब्दुल कयूम है? अब्दुल कयूम है? हाँ। अच्छा एक मिनट ऐसे बैठे रहना, बोल अब्दुल कयूम जरा इधर आना यार, मेरे को बात करनी है एक मिनट आपसे। हाँ। कौन? अब्दुल कयूम। अस्सलाम वालेकुम। सरकार कैसे हैं आप? मजे में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अभी मेरी अभी तो मेरी बात हुई है एक मिनट पहले। हाँ। आपको पता है? हाँ। किससे बात हुई? आपसे? नहीं मेरी अभी बात हुई वहाँ पे फोन पे बात हुई। फोन पे? उधर का? उधर किधर? झूठ नहीं बोलना, मैं बता दिया झूठ नहीं सच। नहीं। अभी मेरी बात किससे हुई है? सिर्फ अब्दुल कयूम जानता है मेरी बात किससे हुई है, इधर कोई भी नहीं जानता। ये अब्दुल कयूम जो यहाँ बैठा हुआ जिन्हें उसको पता है मैंने अभी किससे बात की मोबाइल की। चलो ये बताओ यहाँ कौन आया था जिसे मैंने तुमको निकाला और बात की तुम्हारे से? कौन आया था? कोई नहीं आया था। देखो तुम वही जिन हो जो अभी मेरे सामने बैठे था, तुम कोई अब्दुल कयूम नहीं हो। झूठ नहीं चलता यहाँ, झूठ चलता ही नहीं, गलत बयानी चलती ही नहीं। तूने क्या बोला? जान छोड़, देख सोच, 20 साल तू मेरी बहन को अजियत देता रहा, अजियत जिस्मानी देता रहा। अच्छा एक बात और बताऊं, वो जो बच्चा नहीं मर गया था, बच्चा जो मर गया बच्चा तुम्हारा, ये भी इसने झूठ बोला, वो इसने नहीं मारा है, वो बच्चा उसने मारा है जो 29 साल वाला है, इसने नहीं मारा है ना इसका बच्चा था। नहीं समझ में तुम्हारी बात नहीं आ रही शायद, सच बता इसका बच्चा किधर है, तूने मारा या उसने मारा 29 साल वाले ने, हिंदू ने? सच इसको औलाद कौन नहीं होने देता, तू होने नहीं देता या वो 29 साल वाला नहीं होने देता? आंखें इधर, बड़ी बड़ी आंखें कर, तू मुसलमान है तो तेरा कोई नाम होना चाहिए ना, जवाब चाहिए मेरे को। तू बोला मेरी जान छोड़ो है ना, तू 20 साल मेरी बहन का लहू की तरह, तो मैं तेरी जान जब छोड़ूंगा तो मेरे को सच बोलेगा। हज़रत यूसुफ मोहम्मद हुसैन से पसलियाँ पकड़ो, गला पकड़ो, हाथ भी पकड़ो, और छोड़ना नहीं जब तक ये सच ना बोले। सच चाहिए, तू मेरी बहन को क्या तकलीफ देता है? मेरी बहन को क्या तकलीफ देता है तू? तूने नहीं बोला जिस्मानी तकलीफ देता हूं? तो सच बोलना, जिस्मानी तकलीफ देता है? इसके शोर की रोजी मंदिर तूने खाई? बस जो तूने किया वो बता। अब मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा मेरी बहन के साथ 1,00,000 भी होंगे मैं सबको निकाल दूंगा अभी, खाली तू अपनी कार्रवाई बता, और तू यहां से जाएगा कहां? मैं तेरे को छोड़ देता हूं, चल कहां जाएगा ये बता। तू यहाँ से जाएगा जिन्नातों की जेल में। सही। कहाँ जाएगा? जिन्नातों की।
अच्छा एक बात बताया, तू मुसलमान तो है, तूने बोला ना ठीक है, ये भी सच बोला कि नहीं बोला, कलमा पढ़ के बोल। सच बोला है। तो कलमा पढ़ ले। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा मेरी बात सुन, मेरे पीछे अल्लाह के वली हैं, यहाँ जिन्नात हैं, तेरे को सरकार घोषपा का मुरीद करा दे। करा दो। कभी सोच नहीं सकते कि मौलाना इलियास कादरी साहब कैसे आएंगे, सोच सकते हो आप लोग? नहीं सोच सकते। ये बताएगा सच कि यहाँ मौलाना इलियास कादरी साहब आए या नहीं आए, ठीक है? ये जगह बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, सो कुछ हो, ये जगह पे कोई है? नहीं। जोर से बोल। नहीं। एक मिनट भी नहीं लगेगा। हजरत मौलाना इलियास कादरी साहब पीर और मुर्शिद, कभी तूने हजरत साहब को देखा है, हमारे पीर और मुर्शिद को, मौलाना इलियास कादरी साहब को देखा है तूने? जरूर देखा होगा, मदनी चले ये चलाती होगी मेरी बहन, वो तूने उसने देखा होगा उनका। कैसा उलिया है उनका, देखा है ना? तुझे कसम है झूठ नहीं बोलना, उनका मुरीद करवा रहा हूँ, उनके हाथ में हाथ देते ना जब नजर आएंगे, वो जब नजर आएंगे मैं बोलूंगा मुर्शिद अत्तार पे नूर की बरसात, तो याद रखना बापा। सुबह कल मेरी आपको याद करा है, आपने हमेशा मेरी लाल रखी है, आप आए और ये जिन यहाँ बैठा हुआ है, तू कोशिश कर अपना सच नाम भी बता पापा, इसको मुसलमान करना है आपका, हाथ मुसलमान को है, भेद करानी है और बहुत बात उम्मीद करना है, और आप मेहरबानी करें हमेशा आपको मेरी लाल रखी है, अल्लाह आपके दर्जा भी जब फरमाएँ। यहाँ देखो अभी हजरत साहब नज़र आ रहे हो तो अपना हाथ उनके हाथ में रखना, पापा नज़र आ रहे हो तो हाथ में हाथ देना, झूठ नहीं बोलना। इधर देखो, इधर नज़र आ रहे, नज़र आए तो हाथ में हाथ देना, ठीक है? हाँ किधर कर, मुर्शिदे अत्तार पर नूर की बरसात। तो बोलते क्यों नहीं हो, मुंह में ताले हैं क्या? बोलो मुर्शिदे अत्तार पर नूर की बरसात, मुर्शिदे अत्तार पर नूर की बरसात। सुभान अल्लाह। बापा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह आपको दर्जा बुलंद फरमाए। बापा के हाथ में हाथ, तो मैं दोनों हाथ ऐसे करके इधर आंखें इधर करो, मैं इधर दोनों हाथ दे दीजिए बापा के हाथ में, आपको सरकार घोषणा को मुरीद कराते हैं, फिर बापा से पूछेंगे कहाँ भेजें, या तो बापा से पूछेंगे कि न्यास साहब में भेजें इसको, जिन्नातों की जेल में, या इसको 31 के साथ 32 हुआ करके बिठाएं। इसके लिए तुम्हें अपना नाम बताना होगा सच, क्या तुम्हारा नाम क्या है मुसलमानों में, जिन्नातों में तुम्हारा नाम क्या है? पानी पिला। अच्छा ठीक है, ये बशीर बापा, ये बशीर जो है हमारे साथ बैठा हुआ इधर, और बशीर तुम बोलो मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों की, बोलो हे अल्लाह मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों की मगफिरत मांगता हूँ, चोरी चुगली गीबत बुरे आमाल से बचता रहूँगा, और हे अल्लाह मुझे सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक के मुरीदों में शामिल फरमा, और मैंने अपना हाथ शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत हजरत मौलाना इलियास कादरी साहब के हाथ में दिया, आज से मेरे पीर हैं, मैं इनका मुरीद हूँ, और ए अल्लाह कल बरोज़े कयामत मुझे सरकार बगदाद हुज़ूर गौस पाक के मुरीदों में उठा, आमीन या रब्बुल आलमीन आमीन। अपना हाथ अपने पास रखो, बापा को सलाम करो, अस्सलामु अलैकुम, और बाबा से पूछो कि पीर साहब मुझे कहाँ भेजे, पूछो हजरत यूसुफ मोहम्मद यूसुफ जैसे बाबा को देखो, बाबा क्या बोलते हैं, इसके मुताबिक इसको बशीर को भेजो, बाबा बोलते हैं तो इसको नियाज साहब के पास भेज दो, जिन्नातों की जेल में ठका, नियाज साहब के पास भेज दो, सुभान अल्लाह बोलो बापा, आपकी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको दर्जा दुरम फरमाए, आपको इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो बापा चले गए, मेरा पीर है सुभान अल्लाह, अब तो तुम्हारा भी पीर है। अच्छा एक काम करना, तुम छोटा सा यह हमारे साथ हजरत मोहम्मद यूसुफ खड़े में 17 के अंदर वो भी है, वो तुम्हें लेके जाएंगे यहाँ से जिन्ना को भी जेल में, ठीक है? और हम तुम्हें प्याला पिलाएंगे कलंदरी, इनके नाम का लाल शाहबाज कलंदर पाक के नाम का, ठीक है?
ये प्याला आपने पीना है मेरी बहन, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ बार बार, देखो साइलेंट है ये सब चीज़ें, किसी की पता नहीं चल रहा बहन कौन है मेरी, यहाँ बहन कौन है, वहाँ नाम क्या है, वल्लाहु आलम व रसूल। क्लियर बात है, अल्लाह के तुम से मेरी बहन को मत पिला, ठीक है। या रसूल अल्लाह ऐसे बैठे रहो आप, पता तो नहीं चल रहा ना कौन है, देख ले भाई थोड़ा इस तरफ आ जाना तो मना है क्या, पता तो नहीं चल रहा ना कौन है, इधर मत देख इधर देख, अबे उधर दूर होके देख ले नजर नहीं आएगा तेरा चेहरा, नजर नहीं आएगा इसमें, अबे भाई इधर बैठ के देख ले पता चल रहा है कौन है, ये पता चल रहा है क्या है, हाथ में पकड़ सीधे आपको हजर यूसुफ इसका हाथ छोड़ो, ये पिए कलंदरी प्याला हमारा, आंखें इधर करके पीना तो तू पी सकता है, इधर आंखें करना मेरी बहन को नहीं पिलाना, सुभान अल्लाह मत बोलना तुमको, बोलो सुभान अल्लाह, एक चम्मच नहीं पी सकता, एक बंदा पूरा प्याला पी रहा है यार, तुम्हारे को अल्लाह ताला समझते को बेवकूफ तो नहीं तुमने पल्ले दर्जे के यार, जो बंदा एक चम्मच नहीं पी सकता वो प्याला पी रहा है, ये कलम है अल्लाह का, एक कतरा अल्लाह के उनसे मेरी बहन के हलक में नहीं जाएगा, वादा है। मेरा काम नहीं है, गलत ध्यानी में नहीं करता, गलत ध्यानी वो करता है जो झूठा हो। आपने मेरी इज्जत रखी, अल्लाह ताला खैर फरमाए, अल्लाह आसानी फरमाए, और वो दुपट्टा जो है ना, वो दुपट्टा पड़ा है बड़ी चादर की तरह है, वो ये यहाँ से गिरेगा, ये इसकी जिस्म से निकलेगा, मैं इसको फेंकूंगा यहाँ नीचे धक्का दूंगा, ये बेहोश होगा, ये बेहोश होगी हमारी बहन, ये इसके जिस्म से निकलेगा, क्या नाम है इसका, ये बशीर, वो निकलने के बाद हजरत यूसुफ मोहम्मद यूसुफ यहाँ से लेके जाएंगे, ये सारी तकलीफें हमारी बहन की अपने साथ लेके जाएंगे, सारी तकलीफें निकाल देना हमारी बहन की, और इसका चेहरा मैं देख रहा हूँ, मेरा अल्लाह देख रहा है, इसका चेहरा मैं देख रहा हूँ, खुदा की कसम ये जब पर्दा हटेगा ना, ये बोलेगा यार ये मेरी बीवी इतनी प्यारी और खूबसूरत कैसे हो, कमिटमेंट नहीं मेरा, मैं जो देख रहा हूँ आप, मैं जो अपनी बहन को देख रहा हूँ जो पहले आई हो अब भाई, यार एक काम तो कर दे, ठीक है तेरी मेहरबानी, इसी तरह पर्दे में मेरी बहन को जरा ऐसे दौड़ के दिखा दे, ये मेरी बहन नहीं दौड़ सकती ये पक्की बात, लेकिन तू इसको दौड़ा के दिखा, तूने इसको तकलीफ दी है जिस्मानी, तू इसकी जिस्मानी तकलीफ खत्म कर, इसके बाद मैं तेरे को यहाँ से छुट्टी दूंगा, तू खाली दौड़ा के दिखा मेरी बहन को और उठक बैठक करा के दिखा, इनको बता कि अल्लाह ताला ने अल्लाह वालों को कितनी ताकत दी, खड़ा हो जा मेरा बच्चा एक मिनट के अंदर, ऐसे खड़ा हो खड़ी हो सकती है सोचना, चल दौड़ के दिखा मेरा बच्चा, सुबह सही कर कमीज सही कर, कसम है तुम्हें अल्लाह और रसूल पाक की, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अच्छा मेरा बच्चा ऐसे खड़ा रहे मुंह मेरे को उस तरफ कर ताकि मैं तेरा चेहरा नहीं चाहिए, और उठक बैठक करके दिखा बस मुंह उस तरफ, चल बेटा बस बस बहुत है, अल्लाह पाक का करम 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 है, तू अपना पर्दा रख ले बैठ जाएगा, हाँ बाबा कुछ कहना है, नहीं कुछ कह दे यार, चलो अभी तुम जाओ अभी अपना क्या नाम तुम्हारा, ये पर्दा डाल देना ऊपर, मैं बता रहा हूँ, गद्दी रखो नीचे, मैं इसको धक्का दूंगा ये निकलेगा यहाँ से, ये गद्दी देना भाई मेरे बाप, ये गद्दी इसकी कमर के पीछे रखो, और मेरा भाई देख मेरे को चेहरा नहीं चाहिए तेरा, कोई बात नहीं, मेरी बहन को छोड़ के तुझे जाना है सीधा नियाज साहब के पास, और तेरी जिम्मेदारी क्या है ये सुनता जा, वहाँ जाके नियाज साहब को मेरा सलाम देगा, मेरा नाम बोल पीर सोहबत कलंदरी, मेरा सलाम देगा नियाज साहब को सलाम देगा, एक बात, दूसरी बात ये है कि तेरी जिम्मेदारी है कि वहाँ जाके तुमने पूरी जिंदगी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम क्या पड़ेगा, सुभान अल्लाह, अल्लाह तेरा भला करे, और मेरी बेटी का जिसमें मेरी बहन का छोड़कर चल, पीछे गद्दी रखी हुई है सुकून से रखना, ये हानि कर, चल मेरा भाई बशीर पूरी ताकत से पांव सीधे कर मेरी बहन के, पांव सीधे कर और पूरी ताकत से सारी तकलीफें इसकी ले जा मेरा भाई, अल्लाह तेरा भला करे,
ये देखो, ये इधर देखे, इधर 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 देख लो, दूर से देख ले, कोई नजर नहीं आ रहा कि यहाँ कौन है बंदा, तो इंसान नजर ही नहीं आ रहा, देख ले इधर आके देख ले, खाली चादर नजर आ रही है। ये और भी अच्छा है कि किसी बहन बेटी का इस तरह से इलाज किया जाए, नई शक्ल नजर आए, कोई बात नहीं, पता चले कि काम हुआ है। पूरी ताकत से निकल मेरा भाई बशीर, पूरी ताकत से जिस्म के एक एक हिस्से से निकल, छोड़ दे मेरी बहन को, सुभान अल्लाह पढ़ो सारे मिलकर, अली हक 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 अली हक। पूरी ताकत से निकल जा, पूरी ताकत से छोड़ दे मेरी बहन को, छोड़ दे पूरी ताकत से निकल जा, अल्लाह के हुक्म से पूरी ताकत से निकल जा, सुभान अल्लाह, सुबह चादर रख बेटा, रख कर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से निकल जा मेरा बच्चा, पूरी ताकत से निकल जा बशीर, छोड़ दे इसको बशीर, छोड़ दे, पूरी ताकत से निकल जा इसके जिस्म से, पूरी ताकत से निकल जा, और हर तरफ से घूम ले, तेरे को पूरी ताकत से निकलना है, जिस्म के एक हिस्से से निकल, पूरी ताकत से निकल, छोड़ दे छोड़ दे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान, निकाल ले हाथ बाहर, चल मुट्ठी बंद कर, पूरी ताकत लगा, जान लगा, जितनी जिन्नातों में ताकत होती है सारी लगा दे, उसके जिस्म के एक एक हिस्से से निकल जा, सारे मिलके बोलो अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक। ओ वाह, तू भले चेहरा मतलब हाथ लगा के जरा इसके देख ले कि ये भारी कितनी है, सख्त कितना है हाथ, देख तो ले उठा सकता है हाथ को इसका, ये जिन है जिन, ये देख लो कैसे निकल रहा है, वो मरावा कैसे निकल रहा है, दोनों का स्टाइल देख लेना, फर्क बता दो क्या फर्क निकल रहा है, मरावा जिन निकल रहा है और मरावा कैसे निकलेगा ये भी देख लेना, सुभान अल्लाह बोलो, अली हक 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 अली हक, पूरी ताकत से निकल रहा है मेरा बच्चा, वो लाल गिलास में पानी भर के दो, वो वाला पानी, वो वाला गम वाला, चल चल शाबाश शाबाश, पूरी ताकत से निकल जा, ये पानी लेके जाओ, कल असर के अजान के बाद छिड़क देना घर में, और आज मैं इसका काम करता हूँ, तुमको कभी आना हो तो आ जाना एक दो दिन में, तुम्हारे को भी देख लेंगे, कोई मसला है नहीं, तो ये पानी जो है पूरी पूरे घर वालों को सबको पिलाना है दो टाइम, सुबह और रात में सोने से पहले, छिड़कना सिर्फ एक मरतबा जिंदगी में असर के अजान के बाद, शाबाश पूरी ताकत से निकल मेरा बच्चा, पूरी ताकत से निकल, आंखें बंद रखना, ला इलाहा इल्लल्लाह, पानी डाल ले दम वाला, आंखें बंद रखना, ला इलाहा इल्लल्लाह सुभानल्लाह इन्नी कुन्तु ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह सुभानल्लाह इन्नी कुन्तु ज़ालिमीन, पूरी ताकत से निकल जा मेरा बच्चा, पूरी ताकत से निकल जा, ओ ताकत लगा, जान लगा, अली हक बोलो, अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक, क्या हुआ शहीद, पूरी ताकत से निकल, पूरी ताकत से निकल, छोड़ दे हमारी बहन को, छोड़ दे वरना बहुत अजियत दूंगा मैं, कोई फायदा नहीं है बशीर, क्या हुआ मेजर एक्सीडेंट, या अल्लाह चला के देख ली, आप बताओ 19 लाख रुपए लेके जाते हैं यहाँ से क्या फायदा होगा, ऐसे बैठा रहे ऐसे बैठा रहे, सुन मेरी बात गौर, अपना नाम नहीं बताना, अरे ये बता दो तुम जिन है या मेरी बहन है, नाम बताना जरूरी, हम छुपा रहे हैं, तू बता दे, बस कर अल्लाह का शुक्र है तू तेज आवाज नहीं गई है, अबे एक काम कर, अल्लाह पाक तेरा भला करे, अल्लाह पाक तेरे लिए आसानी फरमा दे भाई, इसको पर्दे में फिर बैठाओ, इसके अंदर से वो मरावा निकालना, चलो वीडियो चल रही है, वीडियो का ये वाला पार्ट खत्म करते, दूसरा चलाएंगे, पार्ट टू करके दिखाएंगे।